दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ अमेजिंग अपकमिंग वेब सीरीज और वेब मूवीज के बारे में जानने के लिए जिन्हें रिलीज की जा रही है 28 जनवरी 2022 में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज और वेब मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल अपडेट वन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 12 उत्तरण। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि थ्रिलर रोमांस ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ऐसी लड़की से जिसका अतीत उसे बार बार सताने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो अपने अतीत से किस तरह मुकाबला करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 26 जनवरी 2022 में, वो भी होइचोई पर। नंबर 11 मुक्ति। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर वेब सीरीज या वेब मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक ऐसे जेलर के लाइफ को दिखाने वाली है जो कि पहले तो ब्रिटिश के लिए काम करता है लेकिन अचानक से ही वो देशभक्त बन जाता है। असल में इस चेंजेस के पीछे क्या कारण है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब मूवी में। वेब मूवी रिलीज की जा रही है 26 जनवरी 2022 में, वो भी Z5 पर। नंबर 10 जॉम्बी विला। दोस्तों हॉलीवुड ने तो जॉम्बीज के ऊपर बहुत सारी मूवीज और सीरीज बनाई हैं, लेकिन इंडिया में पहली बार मराठी लैंग्वेज में एक्चुअल में जॉम्बीज के ऊपर कोई मूवी बनने जा रही है। इस मूवी का इंतजार तो सभी बेसब्री से कर रहे हैं। मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि जॉम्बीज एक्टिविटी के ऊपर मूवीज या सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देखते हैं कि हमारी इंडिया की जॉम्बीज प्रेजेंटेशन कैसी रहती है। फिलहाल मूवी रिलीज की जा रही है थिएटर पर और उसे रिलीज की जा रही है 26 जनवरी 2022 में। नंबर 9 द फॉलआउट। वेब मूवी बेस्ड है रोमांटिक ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब मूवी की स्टोरी शुरू होती है दो दोस्तों से और इन्हीं दोनों दोस्तों के कंप्लीट लाइफ को इस वेब मूवी में दिखाने की कोशिश की जाएगी। वेब मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी जो कि टीनेज ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब मूवी रिलीज की जा रही है 27 जनवरी 2022 में, वो भी HBO Max पर। इस मूवी को फिलहाल इंग्लिश में ही रिलीज की जा रही है लेकिन इन फ्यूचर इसे हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी। नंबर 8 चूजन। वेब सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि स्पेस या फिर एलियन एक्टिविटीज के ऊपर वेब सीरीज या वेब मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक स्पेस शिप से जो कि अर्थ पर पाई जाती है और इस स्पेस शिप के पीछे असल में क्या मिस्ट्री है इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 27 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7 विरम्मा भागे सोदन। दोस्तों ये कंप्लीट मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वे मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वे मूवी की स्टोरी में आप फिर से देख पाएंगे ऐसे इंसान को जो कि अपने प्यार को और अपने फैमिली को किसी भी तरह से जोड़ कर रखना चाहता है और वो ये काम कैसे करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी फिलहाल थिएटर में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 26 जनवरी 2022 में। नंबर 6 I am Georgiana। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली एक बायोपिक है। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में जॉर्जियाना के कंप्लीट लाइफ को दिखाने वाली है और जॉर्जियाना के बायोपिक में जिसे भी इंटरेस्ट है वो इस वेब सीरीज को जरूर देखें। वेब सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 27 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 5 द आफ्टर पार्टी। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक पार्टी से लेकिन उस पार्टी में एक मर्डर भी हो जाती है और इसी मर्डर मिस्ट्री को कंप्लीट वेब सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि असल में इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है, इवन इस मर्डर के पीछे क्या मोटो है। यही सारी मिस्टीरियस चीजें इस कंप्लीट वेब सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। वेब सीरीज फिलहाल इंग्लिश में ही रिलीज की जा रही है लेकिन इन फ्यूचर इसे भी हिंदी में अवेलेबल कर दी जाएगी। वेब सीरीज रिलीज की जा रही है 28 जनवरी 2022 में, वो भी Apple TV Plus पर। नंबर 4 इन द फॉर्म द कोल्ड। ये वेब मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि स्पाई एक्टिविटीज के ऊपर वेब सीरीज या वेब मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो कि नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही होती है लेकिन अचानक से ही उसे फिर से अपने पुराने रूप में वापस आना पड़ता है। असल में वो फिर से अपने पुराने रूप में क्यों वापस आती है, इवन वो अपने नॉर्मल लाइफ को किस तरह छोड़ती है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब मूवी में। वेब मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही 28 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर।
नंबर थ्री फेरिया। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है फेरिया से, जो कि अचानक से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की दुनिया से जुड़ जाती है, और लास्ट तक फेरिया अपने आप को उस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की दुनिया से किस तरह बाहर निकालती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की दुनिया में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें भी छुपी हुई हैं, और यही सारी मिस्टीरियस चीजें इस पूरे वेब सीरीज में रिवील भी की जाएगी। सीरीज रिलीज की जा रही है 28 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की जा रही है। नंबर टू ऑल ऑफ अस आर डाई। वेब सीरीज बेस्ड है ज़ॉम्बीज एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है इस बार एक स्कूल से, जहां पर अचानक से ही कुछ बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उन ज़ॉम्बीज के हाथों से किसी भी तरह से अपने आप को सर्वाइव करके रखना चाहते हैं, और वो अपने आप को ज़ॉम्बीज के हाथों से किस तरह सर्वाइव करके रखते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन दूसरे बच्चे ज़ॉम्बीज में किस तरह कन्वर्ट होते हैं ये भी मिस्ट्री रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की जा रही है 28 जनवरी 2022 में, वो भी Netflix पर। और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे द वुमन इन द हाउस, अक्रॉस द स्ट्रीट फॉर द गर्ल इन द विंडो। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जो कि मिस्ट्री और थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक एल्कोहलिक लेडी से, जो कि एक्चुअल में अपने पड़ोस में ही एक मर्डर देखती है, और उसी मर्डर की मिस्ट्री को किसी भी तरह से वो लेडी सॉल्व करना चाहती है। लेकिन लास्ट तक वो लेडी उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही सारी चीजें की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 28 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।